वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फोरम। तो दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 34 है। तो हम आज बात करने वाले स्टॉक इन्वेंटरी रिपोर्ट के ऊपर। हम पूरा साल जो है स्टॉक इशू करते रहते हैं, सेल एंड परचेज करते रहते हैं, लेकिन हमें साथ साथ डेली, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली ये रिपोर्ट भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि हर कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होती है कि डेली बेसिस पे जो सेल परचेज होती है उसकी जो है वो रिपोर्ट डेली बेसिस पे ही जनरेट होती रहे। कहीं पे वीकली रिपोर्ट चाहिए होती है, कहीं पे जो है वो फोर्टनाइटली मींस 15 डेज की जो है रिपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन कहीं पे जो है वो मंथली रिपोर्ट चाहिए होती है। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनियों में जो है वो चारों रिपोर्ट जो है वो एक साथ बनती हैं। तो इसमें जो है हम अपना स्टॉक स्टेटस चेक करेंगे कि हमने जो है पूरा साल या एक दिन में या एक हफ्ते में जो हमने सेल किया है वही आइटम हमारे पास अब स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं। क्योंकि जब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है, उनका परचेज ऑर्डर आता है, हमें जो है क्लाइंट को ये बताना ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो है स्टॉक अवेलेबिलिटी जो है अब इतनी है। तो उसी हिसाब से सबसे पहले हम स्टॉक चेक करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारा जो है अब जो स्टॉक है वो कितना बचा हुआ है। तो इसमें आज हम एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे, बहुत अच्छा लुक देंगे उसको, जो है आज हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल के ऊपर और हम उसको जो है और थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे और अच्छी रिपोर्ट जो है आज इसमें हम जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सीखना है कि स्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से बनती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो हर कंपनी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि बॉस जब ऑर्डर कर देता है रिपोर्ट का तो आपको जो है एक अच्छी रिपोर्ट निकाल कर देनी पड़ती, ताकि आपको वो आगे वहाँ पे अप्रिशिएट करें कि यार ये वाकई एक बेहतरीन रिपोर्ट है। तो इसी तरह से आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी परचेजिंग कितनी हुई है और हमारी सेल कितनी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से परचेज निकाल लेता हूँ। परचेज निकालने के बाद अच्छा, एक चीज़ आपने देख लेना, जब भी आपने परचेज या सेल निकालनी है, कोई भी आपने वो परचेजेस निकालनी है, सेल्स निकालनी है, तो उसमें से ये शो वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स, इसको आपने यस कर देना है, क्योंकि ये उनकी वैल्यूज़ भी साथ आएंगी। तो यहाँ पे जो है ये देखें, हमने 1/7/2021 को हमने सॉफ्टोनिका कंप्यूटर से जो है हमने कुछ माल ख़रीदा था। यहाँ पे देखें, कंप्यूटर हमने ख़रीदे थे, ये मशीन है, 10 कंप्यूटर ख़रीदे थे 2,00,000 रुपये के, और इसी तरह से जो है हमने लैपटॉप ख़रीदे थे 5, 1,40,000 के, और इसी तरह जो है हमने लैपटॉप डेल मशीन लिए है तो हमने 2 ख़रीदे थे 64,000 के। इसी तरह हमने सेल भी की है, ये 1 तारीख की जो है परचेजिंग थी। इसी तरह हम सेल चेक कर लेते हैं, सेल हमने कब की है। तो यहाँ पे हमने अदनान अली को जो है ये सेल किया है, देखिए ये उसी डेट को ही जो हमने ये सेल किया है। यहाँ पे कंप्यूटर हमने 2 सेल किए हैं 50,000 के, लैपटॉप हमने जो है 1 सेल किया, इसी तरह हमने लैपटॉप दूसरा भी 1 सेल किया है। ठीक है, तो ये हमारी जो है सेल परचेज है। अब हम यही स्टॉक जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कितना है। सबसे पहले स्टॉक जो है चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम शुरू करते हैं, अगर हम किसी एक आइटम का लेजर उठा के देखें कि ये स्टॉक हमने कितना परचेज किया था और हमने जो है इसको कितने सेल कर दिए, तो अब हमारे पास जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। देखिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। पूरा जो है ना इंटरनेट के ऊपर अकाउंटिंग जो है भरी पड़ी हुई, अगर आप देखना चाहें तो क्लोजिंग साल के आखिर में जितना भी स्टॉक बचता है, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, तो वो हमारे पास क्लोजिंग होता है। वो स्टॉक, यानी अगर साल की बात करें, साल की बात छोड़ दें, हम एक दिन की बात करें, तो एक दिन में अगर हमारे पास 10 आइटम हैं, 10 में से 8 आइटम हमारे सेल हो गए, अब वो बचे हैं। शाम को जब हमने स्टॉक चेक किया तो वो 2 बचे हैं, वो 2 हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह हम 1 साल के ऊपर लेकर जाएं, 50 लाख का सामान था जिसमें से 25 लाख रुपए का जो है वो साल के आखिर में बचा है, बाकी 25 लाख का सेल हो गया, जो बचा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब जब दिन की बात करें तो दूसरे दिन जब हम जाएंगे काम करने के लिए, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही अगले साल का ओपनिंग होगा। यानी जो हमारा पिछले साल का 25 लाख जो हमारा क्लोजिंग था, अब जब दूसरा साल शुरू हो गया हुआ है तो वही हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब हम उसी 25 लाख को जो है वो आगे
सेल एंड परचेज करेंगे, यानी उसी के उसी को ही जो है ना हम सेल करेंगे, बाद में फिर परचेजिंग होती रहती है। तो इसी तरीके से सबसे पहला इसका तरीका ये है, हम जाएंगे आइटम लेजर में, हम एक एक आइटम की एंट्री चेक करेंगे कि ये हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया और हमारे पास बैलेंस कितना है। उसके बाद हम इंडिविजुअली एक ही रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आइटम लेजर में जाऊँगा, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर है, मैं दोबारा से इसको जो लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आप लैपटॉप लिखना चाहें, लैपटॉप अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप है डेल 4568, मैं ये वाली मशीन का लेजर चेक करना चाह रहा हूँ कि ये हमने कितने परचेज किए थे और कितने सेल किए हैं, अब इसका बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शो वैल्यूज़ ऑफ आइटम के ऊपर जो है क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसका लेजर ओपन कर दूँगा। यहाँ पे सॉफ्टोनिक का कंप्यूटर से हमने एक साथ को परचेज किए थे 5 लैपटॉप, ठीक है भैया। ये देखें यहाँ पे ये आ रहे हैं 5 लैपटॉप 1,40,000 के। अदनान अली को हमने ये कितने सेल किए, अदनान अली को हमने ये 1 सेल किया, 5 हमने परचेज किए थे, 1 सेल किया। तो हमारे पास अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसका ये हमारे पास आ रहा है, 4 हमारे पास बच गया हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम आइटम लेजर से इंडिविजुअली हर एक आइटम की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट हमने रिपोर्ट निकालनी है तो हमने जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में सारी रिपोर्ट्स जो है वो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ स्टॉक स्टेटस के ऊपर। ये स्टॉक स्टेटस है और यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये बोल रहे हैं बैलेंस ओनली। देखिए अल्फाबेटिकली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जीरो स्टॉक भी है वो भी शो करेगा, अगर स्टॉक में कुछ आइटम है तो वो स्टॉक भी जो है वो शो करेगा। तो मैं यहाँ पे बैलेंस ओनली के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड ग्रुप वाइज निकालना चाह रहे हैं तो ग्रुप वाइज निकाल लें, जैसे लैपटॉप के ग्रुप बने हुए हैं, कंप्यूटर के ग्रुप बने हुए हैं, एंड अदरवाइज दूसरे जो है वो कुछ डिफरेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं, एसेसरीज के ग्रुप्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप एक ग्रुप सेलेक्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं लैपटॉप, अगर मैं कोई लैपटॉप डेल है तो मैं इसी का सिर्फ ग्रुप निकालूं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप डेल के जितने भी आइटम हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल आइटम्स के ऊपर क्लिक करूँ या फिर वन आइटम यानी सिर्फ एक आइटम जो है उसका जो है मैं लेजर निकालना चाहूँ, उसका क्लोजिंग स्टॉक चेक करना चाहूँ, तो ये डिफरेंट तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम बिजी में कस्टमाइज करके बहुत अच्छी रिपोर्ट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल आइटम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक चीज़ आपने देख लेनी है, यहाँ देखिए ये रिपोर्ट आपने कब से कब तक की निकालनी है, यानी रिपोर्ट आपने कब की निकालनी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास ये एक ही डेट आ रही है, अदरवाइज़ हमने कुछ और ज़्यादा एंट्रियाँ की हुई होती तो वो हम वही डेट लिखते, क्योंकि एक साथ कोई हमने सेल एंड परचेज किया है तो उसी डेट की जो है हम इसमें रिपोर्ट निकालेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे शो ज़ीरो स्टॉक आइटम्स, अगर मैं फ़िलहाल मैं इसको एन कर देता हूँ, वो बोल रहा है शो पेरेंट ग्रुप, इसको भी मैं यहाँ पे एन कर देता हूँ, एन मीन्स नो। तो ये मेन यूनिट के साथ आए, शो आइटम टू बी शोन बाय नेम, वो बोले नेम से शो हो या एलियास से शो हो या फिर प्रिंट नेम से, तो मैं ये यहाँ पे इसको जो है नेम को सिलेक्ट कर देता हूँ। वो बोले शो वैल्यूज़ ऑफ आइटम, अगर मैं इसको भी नो कर देता हूँ, इसको हम सब येस करके ही जो है हम रिपोर्ट निकालेंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये इनको जो है नो कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऐसी कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं आई, क्यों, इसके जो मेन रिसोर्सेज थे उनको हमने नो कर दिया था। अब उनको जो है मैं यहाँ से येस करता हूँ, येस करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ज़ीरो स्टॉक जितना भी है जो ख़त्म हो चुके हैं वो भी शो हों, और पेरेंट ग्रुप जो इनके ग्रुप्स हैं वो भी शो हों, एंड देन उसके बाद इसकी वैल्यूज़ भी शो हों, क्योंकि हमें पता तो चले ना कि कितना स्टॉक हमारे पास कितने का, यानी उसकी वैल्यू क्या है जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो मैं इसको भी येस कर देता हूँ। येस करने के बाद बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट हमारे पास आई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 22 आइटम्स जो है हमारे रिमेनिंग है जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल हैं इस वक्त। यहाँ पे देखें 8 हमारे पास कंप्यूटर हैं, कनेक्टर्स हमारे पास 0 हैं, हैवी मशीन हमारे पास 0 है, लेकिन लैपटॉप डेल है हमारे पास 3 है। इसी तरह से 0 है वो 0 दिखा रहा है, जो स्टॉक में अवेलेबल है वो अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 589,000 का हमारे पास स्टॉक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता बोर हो जाए। यहाँ पे मैं इसको जो है ओवरराइड करता हूँ। एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर देखें यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेल के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, पीडीएफ के ऊपर, HTML, CSV फाइल, इन सब को छोड़ दें, हम एक्सेल के ऊपर जो है
रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। आपने ओवरराइड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन आपकी डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द फाइल फलां फलां, ये इस जगह पे जो है ना फाइल जाके ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है रिपोर्ट है। अब ये इतनी खास रिपोर्ट नहीं है, अब इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, लेकिन कस्टमाइज़ करने के लिए मैं एक चीज़ आपको जो है रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरी एक्सेल की फ़ाइल खोल लें, क्योंकि डायरेक्ट ये एक्सेल बिजी से जो है ना उठा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेंगे, वो वाला एक्सेल जो है सही चलेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सेल एंड देन यहाँ पर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। अब हम थोड़ा सा इसको जल्दी से कस्टमाइज़ कर देते हैं, अदरवाइज़ आप ख़ुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके जो है यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। सबसे पहले अच्छा स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आपने फॉन्ट एरियल होता है जो अक्सर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, आपने सबको सेलेक्ट करना है यहाँ से, यहाँ पर आपने कर देना एरियल, बहुत अच्छा लुक होता है एरियल फॉन्ट स्टाइल का। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर देना है। इसकी अंडरलाइन आपने जो है हटा देनी है यहाँ से, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे मैं मेन स्टोर हटा देता हूँ, यहाँ पे एक डेट का कॉलम रखता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक डेट का जो है आज क्या डेट है हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पे ये रिपोर्ट है 1/7 की है, 1/2021 की ये रिपोर्ट है हमारे पास। डेट हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट साइड पर होती है। रिपोर्टिंग अगर अच्छी करनी है आपने तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट अपडेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये ऑल आइटम्स है, बाकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने अगर आपने कोई हेडिंग डालना चाहे यहाँ पे, तो आप तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है अपनी स्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट फाइनल कर ली हुई है। तो इसके बाद हम जनरल एंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, हम जनरल एंट्रीज करेंगे एंड पेमेंट के ऊपर काम करेंगे, रिसिप्ट के ऊपर काम करेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट एंड काउंट्रा जो पार्टीज हैं, कैपिटल फिक्स एसेट्स, ये सब जो है ना उसी में आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।